पिछले साल चुनाव जीतकर पढ़ाई करने विदेश गई यूपी की ग्राम प्रधान, रूस यूक्रेन युद्ध से खुली पोल। यूक्रेन रूस की जंग ने दुनिया भर में दहशत मचा रखी है। भारत समेत कई देशों के लोग यूक्रेन में फंसे होने से उनके परिवार वालों में भी चिंता देखने को मिली है। ज्यादा लोग यहाँ MBBS और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गए हैं। कुछ लोग तो जंग शुरू होते ही वापस आ गए, लेकिन ज्यादातर लोग अब भी वहीं फंसे हैं। यूक्रेन और रूस की जंग में कई बातें भी खुलकर सामने आई है जो इससे पहले लोगों को नहीं पता थी। एक ऐसा ही मामला यूपी के हरदोई जिले का है। जिले की सांडी ब्लॉक की तेरापुर जिले की रहने वाली वैशाली यादव इन दिनों यूक्रेन में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। वह 8 महीने पहले प्रदेश में हुए प्रधानी के चुनाव के दौरान गांव आई थी। वैशाली ने यहां ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और जीता भी। वैशाली ग्राम प्रधान बनने के बाद गांव के विकास की चिंता को छोड़कर खुद की डॉक्टरी की पढ़ाई की चिंता की और वापस यूक्रेन चली गई। हालांकि वैशाली यूक्रेन में रहकर पहले से ही पढ़ाई कर रही थी। इसका खुलासा यूक्रेन रूस की जंग के दौरान हुआ। गाँव छोड़कर विदेश जाने के मामले में अब पंचायत राज भी सख्त हो गया है। सूत्रों के अनुसार ग्राम प्रधान वैशाली के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मैं यूक्रेन इवानो फ्रेंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ सुबह से बहुत ज्यादा पैनिक का माहौल हो रखा है। सब अपने अपने फ्लैट्स में बंद हैं, कोई बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि बाहर बॉम्ब्स गिर रहे हैं, कहीं पे कुछ भी हो रहा है। सब बहुत ज्यादा परेशान है। काफी इंडियन स्टूडेंट है हमारी यूनिवर्सिटी में। सब बस इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हाँ इंडियन गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम यहाँ से जाएंगे। और हमने फ्लाइट्स भी करवाई थी जाने के लिए, लेकिन वो अब फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई हैं। तो अब हम कैसे जाएं? हम सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ करें तो हम लोग को यहाँ से ले जाएं। हम ना बाहर जा सकते हैं कुछ सामान लेने, ना कुछ भी, बस फ्लैट में हैं। अब जब तक का सामान है तब तक फ्लैट में है। आगे की सिचुएशन कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम टॉप स्टोरी न्यूज।